गुड़ को प्राचीन काल से ही अलग अलग शेप्स में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इस रूप में हो, ये सॉलिड फॉर्म है, आप इसको क्यूब में रूप में आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने लगा, नहीं तो पहले अलग अलग इसको बड़े बड़े गुड़ इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव होने लगा है। इनमें ही देखा जाए तो ये एक गुड़ का एक नया शेप है, इसको कहते हैं गुड़ चना। गुड़ चना इसलिए कहते हैं कि चने के ऊपर गुड़ की कोटिंग कर दी गई है। पहले गुड़ और चने को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता था। होता क्या था कि गुड़ और चना दोनों अलग अलग न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और इसके अलग फायदे भी हैं, क्योंकि चना जहां प्रोटीन का रिच सोर्स है तो गुड़ एनर्जी का भी रिच सोर्स है, क्योंकि इसमें कैलोरी के साथ साथ फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। बात करेंगे दूसरे और प्रोडक्ट की। आजकल मिलेट्स की बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स मनाया जा रहा है। ये मिलेट आधारित बिस्किट है, मल्टीग्रेन का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग किया गया है। गुड़ एक औषधीय पदार्थ है जो कि बहुत ही प्राचीन काल से यूज हो रहा है। अब गुड़ के बहुत प्रकार आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाउडर पाउडर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, डिफरेंट शेप में यूज हो रहा है। गुड़ के तो फायदे आप जानते हैं किसान भाई, अब गुड़ के महत्व को और कैसे बढ़ाएं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मिलेट इंटरनेशनल ईयर चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं मिलेट अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, मल्टी ग्रेन विटामिन, मिनरल्स सब कुछ पाए जाते हैं उसमें। मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, मिलेट्स यानी मोटा अनाज जो कि कम पानी और कम मिट्टी उपजाऊ में उगाया जा रहा है। मिलेट और गुड़ को लेके हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। ये किशन भाई आप ये देख सकते हैं, ये बाजरा युक्त चॉकलेट है, बाजरा युक्त चॉकलेट। अब आपको हम बता दें कि एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि महिलाएं जो हैं वो गर्भाधारण के समय एनीमिया से ग्रसित होती हैं कम से कम 52% के लगभग, और 42% के लगभग बच्चे जो हैं एनीमिया और माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, क्योंकि उनको पूरे तरीके से पोषण तत्व तो नहीं मिल पा रहा है खाने के थ्रू। उस कमी को दूर करने के लिए हमने ये कुकीज़ तैयार की है जो कि मल्टीग्रेन विटामिन पर, मल्टीग्रेन मिलेट से तैयार की गई है। गुड़ और मल्टीग्रेन को मिला के ये कुकीज़ तैयार की गई है जो पोषक तत्व को भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आसानी से बच्चे और बुज़ुर्ग खा सकते हैं। जो हम खाने के थ्रू हमें पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं वो हमें इसके कुकीज़ के और कैंडी के द्वारा हमें प्राप्त होंगे। अब डिटॉक्स को कम करने में सहायक है, रोग मधुमेह में बहुत लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करने में सहायक होते हैं। इसको बच्चा भी खा सकता है, महिलाएं भी खा सकती हैं, यहाँ तक कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर भी है कि इसको इस रूप में अगर बनाते हैं तो उनकी आय में भी इजाफा होगा। सरकार कहती है कि आय हमें दोगुनी करनी है, इस तरीकों को अपनाकर किसान अपनी आय को 3 गुना 4 गुना कर सकता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पर रही है। पहली नजर में यह आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहां कोई ऐतिहासिक इमारत है, ना ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर
प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है, जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है। उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग, ग्राम पर्यटन के लिए ही तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है कैसा है, वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों समूह में खेती करने वालों और FPO से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमें ऐसा लगता है मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं, और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं, वो अब उनको खाना पीना बनाना है कुछ है, तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोज़गार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा।